सो केजी टू कलर्स हो गए हैं हमारे कंप्लीट। ये देखें, ये है स्ट्रॉबेरी और कलर्स हो गए हैं। स्ट्रॉबेरी कौन से कलर की होती है? रेड, और इसके लीफ ग्रीन होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। चलें सबसे पहले इस पेज पे भी हम डेट मेंशन कर लेते हैं, 1/7/17/8 and 2/0/20। फ्रूट्स नेम और क्या है हेडिंग? मैचिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने फ्रूट्स पढ़े हैं उनकी पिक्चर्स हैं, एक रो यहाँ पे है, एक रो यहाँ पे है। हमने क्या करना है, जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं उनको उन्हीं के फ्रूट से मैच कर देना है, राइट? सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। व्हाट आर दीज? दीज आर चेरीज। फाइंड आउट हेयर वेयर आर द चेरी। ये रही चेरीज। सो हम क्या करेंगे, इन चेरीज को इनके ग्रुप के साथ मैच कर देंगे, राइट? इसे कहते हैं मैचिंग। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉबेरी। वेयर इज स्ट्रॉबेरी? हेयर इज स्ट्रॉबेरी। सो आई एम गोइंग टू मैच दिस स्ट्रॉबेरी टू दिस। ओके, नेक्स्ट इज पोमेग्रेनेट, अनार। यहाँ पे कहाँ है हमारे पास? ओह, ये रहा पोमेग्रेनेट, फर्स्ट पर ही था। सो यहाँ से हम इसको इससे मैच कर देंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, इसी तरह से लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, पेंसिल से मैचिंग करनी है फ्रूट्स को उनके फ्रूट्स के साथ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस? यस, वाटरमेलन। वाटरमेलन यहाँ पे कहाँ है? हेयर इज। सो इसको हम कर देंगे वाटरमेलन से मैच। एंड नेक्स्ट इज पियर। पियर कहाँ है? यहाँ, मैच कर देंगे पियर को पियर के साथ। एंड द लास्ट फ्रूट इज ग्रेप्स। ग्रेप्स को हम मैच करेंगे ग्रेप्स के साथ। सो हियर इज ग्रेप्स। ये हो गई हमारी मैचिंग कंप्लीट। आप लोगों ने भी बिल्कुल गौर से वीडियो देखनी है और हर फ्रूट को उसी के फ्रूट से मैच कर देना है। अब आती है कलर्स की बारी, लेकिन कलर्स आप लोग ख़ुद करेंगे। आप लोगों ने फ्रूट्स पढ़ लिए हैं, फ्रूट्स के नेम्स पढ़ लिए हैं, और आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे जो मैंने आपको कलर्स करके दिखाए थे, आप लोगों को पता है कि कौन सा फ्रूट किस कलर का होता है। चेरीज रेड होती हैं, स्ट्रॉबेरी रेड होती है, पोमेग्रेनेट भी रेड होता है। इसी तरह से यहाँ के जो तीन हमारे पास ग्रेप्स, पियर और वाटरमेलन है, ये ग्रीन होते हैं। तो आपने, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आपने कलर्स देख लेने हैं और इन सब फ्रूट्स पर आपने ख़ुद अच्छे से कलर्स करना है ताकि हमारे ये तीनों पेज कम्प्लीट हो जाएँ। ओके के जी टू।